नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SSLB सीखो सिखाओ लाइव बनाओ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई ट्रिक जो है मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई करने की है ट्रिक। जैसा कि अगर डिजिट आपको दिया गया है 107, 102, इसका अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस ट्रिक के साथ। इसमें करना ये है, 100 को मान लीजिए बेस, 100 को बेस मान लीजिए, 100 को बेस मानकर ये ट्रिक कीजिए, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। 100 में 7 जोड़ना पड़ेगा प्लस 7, और 100 में 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 102। तो इसमें नॉर्मली आपको यही करना है, यहाँ पर 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर लिख देना है दो डिजिट में, क्योंकि ये जो 100 के में 0 लगे हैं ये 2 हैं। 7 × 14 साइन का भी इसमें मतलब है, प्लस आ रहा है तो प्लस रहेगा, माइनस आ रहा है तो माइनस रहेगा। 7 में इधर क्रॉस जोड़ देंगे, चाहे 102 को 7 से जोड़ेंगे, चाहे 107 को 2 से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 109। यही हो गया आपका आंसर। सो फ्रेंड्स, चलिए और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है आपको 97, 96, इसका मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है। 100 में से 97 घटाएंगे ये -3 आएगा, -3। 96 को 100 में से घटाएंगे जब, तब आएगा -4, यानी कि ये 100 से 4 कम है और ये 100 से 3 कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे माइनस साइन के साथ में, तो 3 × 12 ये हो जाएगा प्लस में, और इसका इसको क्रॉस ऐड कर देंगे, 97 में से 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 93। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर। इस ट्रिक को आप अगर इस ट्रिक पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आंसर 3 से 5 सेकंड में कर ले जाएंगे, और ये ट्रिक आप मन ही मन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका डिजिट जैसे ये 96 है और ये 104 है, तब फिर आप इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए 100 बेस मान लेंगे, 100 बेस मानने के बाद ये 100 में से 4 कम है -4, ये 100 में से 4 ज्यादा है +4, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16 लेकिन माइनस में, और इसका इसमें 4 जोड़ दो या तो इसमें 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा 100। 104 में से 4 घटाएंगे तो भी 100 आएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे तब भी 100 आएगा। चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या करना रहेगा, 100 और उसके बाद 00 लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें से 16 घटा देंगे, ये हो जाएगा 6, 1, 4, 8, 9, 9, 99, 84, ये हो गया इसके मल्टीप्लाई का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये आपके माइंड में एक अच्छे से बैठ जाए, और अगला लेते हैं नंबर 94, 101, इसका मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। 93 ये 100 से 7 कम है और ये 100 से 1 ज्यादा है, ये हो गया -7,
और ये हो गया 101 में से 7 घटा देंगे या 93 में एक जोड़ देंगे, ये हो गया 94। और इसको दो डिजिट में लिखना है आपको, 94007 7 घटाएंगे इसमें से, ये हो जाएगा 3939 93 93। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मुझको आपको बताने में थोड़ा देर लग रहा है, लेकिन आप इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक पे आप प्रैक्टिस कीजिए और कम टाइम में इसको कर लीजिए। जैसा कि आपने ऐसी ट्रिक्स देखी, ऐसी ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका सेशन जीके का चलने वाला है 3 PM। इस सेशन में भी आपको जीके की ट्रिक बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स।